अलार्म बजी। सुबह के 5:30 बजे थे। रबिंग माई आईज आई गॉट अप। मेरे को याद ही नहीं था कि मैं कैसे सो गई अंटिल आई लुक्ड अराउंड द मेस ऑन माई बेड। एक तरफ देयर वर ह्यूज बुक्स टाइटल्ड MCQs फॉर नीट और दूसरी तरफ देयर वाज माई कैमरा एंड अ बुक जिसमें मैं लिखती हूँ। आई मूव थिंग्स एंड मेड सम स्पेस फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कुड सिट स्ट्रेट अप विद माई लेग्स फोल्ड एंड हाउ वाज यू स्टेयरिंग एट द मेस अराउंड मी। हाय आई एम साहिति और मेजॉरिटी बच्चों की तरह मेरा भी सपना था कि बड़े होकर मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन से अच्छा खासा पढ़ती थी और इसी तरह 10th के बोर्ड्स में 93% स्कोर किया और काफ़ी टिपिकल मेंटालिटी के साथ आई टुक अप साइंस। बोलते हैं ना, अगर 10th में अबाउट 90% आए तो चलो साइंस लो। मैंने दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचा तक नहीं और चल पड़ी मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ने। वैसे मेरी एक हॉबी थी लिखने की और 12th के मिड तक समझा ही नहीं कि कब ये हॉबी एक्चुअली मेरे पैशन में बदल गई। आई हैड दिस अर्ज ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट बट ऐसे कैसे गिव अप करती मेडिकल पे? आई मीन हाउ वुड आई? इनिशियली आई थॉट इट वुड बी अ फेज एंड स्लोली आई विल बी बैक ऑन ट्रैक बट एज टाइम पास्ड द पैशन ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट ग्रू इन मी। एक महीने में एंट्रेंस और यहाँ एक तरफ पेन और दूसरी तरफ मेडिसिन, कैसे चूज करती? आई वॉज कन्फ्यूज स्केर्ड एंड देयर वॉज अ रश ऑफ मल्टीपल थॉट्स इन माई हेड ऑलवेज। हाँ एंड योर आई वॉज स्टेयरिंग एट द मेस विद माई फेस टेंस्ड एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग दिस हैवीनेस इन माई चेस्ट सप्रेसिंग माई लंग्स एंड आई फेल्ट एज इफ वाज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। देयर वॉज सो मच ऑन माई माइंड एंड आई नीडेड टू ईज माई सेल्फ इसलिए आई गॉट अप एंड आई ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर। आई लुक्ड आउटसाइड एंड इट वॉज डार्क एंड काम देयर एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग मोर एग्जॉस्टेड इन द रूम एंड डीप इनसाइड आई जस्ट वॉन्टेड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। आई वॉज सच अ केओस सो आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक एंड काम माई सेल्फ। द सन वॉज बिलो द होराइजन एंड द स्ट्रीट a little dark with its lamp still burning. A person who used to stay till 3 a.m. pulling her mind in opposite directions, each one having an entirely different idea, and then getting up with a blank mind, this weather was definitely new for me. I wondered that this was a change, a good change, and hoped maybe a good beginning was possible. I felt a little easy just with the thought of the small hope I was badly wishing for. चलते चलते आई रीच द स्टार्ट ऑफ वर्ली सी फेस। सो फॉर एन आउटसाइडर टू नो एवरी मुंबईकर एंजॉयज द वाइब ऑफ द सी फेस। सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ प्रोमेनाड अलोंग द सी और यहाँ लोग वॉक एंड जॉग करके शांति से सनराइज या सनसेट एंजॉय करते हैं। सो आई वेंट एंड सैट ऑन द एम्बैकमेंट फेसिंग द वाटर्स विद माई ईयरफोन्स प्लग्ड इन लिसनिंग टू सम रैंडम म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई। भले माई आईज वर स्टक ऑन दी होराइजन बट मेंटली मैं वैसे ही थी जैसे मैं रूम में थी। देयर वर मल्टीपल थॉट्स रनिंग बट आई कुड नॉट लेट एनी ऑफ देम कम ऑन माई माइंड सो आई प्रेफर्ड बीइंग अ ब्लैंक देन अ केओस। आई वॉज लॉस्ट इन द मोमेंट अंटिल आई हर्ड अ चकल फ्रॉम सम पर्सन सिटिंग बिसाइड्स मी मेंटेनिंग अ हेल्थी डिस्टेंस। आई इग्नोर्ड इट। द सेम पर्सन सेड मेरे को आजकल के बच्चों का कुछ समझता ही नहीं है। ये सुनने के बाद मैंने ईयरफोन्स निकाले और उनकी तरफ देखा। ही वॉज एन ओल्ड मैन एजिंग अराउंड 55-60 ईयर्स ओल्ड, लुक डिसेंट एंड फ्रॉम अ गुड फैमिली एंड ही हैड अ गुड फ्रेंडली स्माइल। सो ही आस्क्ड हिम, पार्डन मी अंकल। सो ही आस्क्ड मी विद द सेम फ्रेंडली स्माइल, हाउ डू यू मैनेज टू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम? I was surprised with the question because this was something I was avoiding to ask myself since last 6 months. But yaha, I didn't really understand from where his question was coming from. So I asked him, "Sorry, what?" So he smiled and said, "You are watching this beautiful view and listening to something in your earphones at the same time. How do you manage to do both at one time? Are you
यू एंजॉइंग द सी और एंजॉइंग द म्यूजिक? ये सुनने के बाद आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कर क्या रही थी. सो आई ट्राइड आंसरिंग बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू लुक स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ हिम. सो आई सेड आई एम वॉचिंग द सनराइज बट ये शहर की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी इसलिए ईयरफोन्स डाल दिया. आई फेल्ट क्वाइट कॉन्फिडेंट विद द रिप्लाई गिव टू हिम अंटिल ही रिप्लाइड, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वॉचिंग द सी व्यू विदाउट हियरिंग द रोरिंग ऑफ द वेव्स एंड द चॉपिंग ऑफ द बर्ड्स दैट फ्लू बाय. आई हैड नो वर्ड्स सो ही कंटिन्यूड, आ जाओ आई टेल यू समथिंग. इमेजिन दिस एम्बैंकमेंट इज लाइक अ होराइजन. एक तरफ वी हैव द बिजिएस्ट सिटीज रश विच इज ऑलवेज फास्ट हेक्टिक बट इट इज एक्साइटिंग. देर इज दिस मैजिक इन दिस रश विच एक्चुअली कीप्स यू मूविंग एंड नेवर मेक्स यू फील अलोन. और दूसरी तरफ वी हैव दिस ब्यूटिफुल साइट ऑफ सी वाटर्स, इट्स रोरिंग वेव्स एंड द प्रॉमिसिंग सनराइज विच सूट्स यू. इट काम्स यू एंड मेक यू फील अलाइव इन इट्स ओन वे. यू शुड नेवर मिक्स बोथ द साइड्स बेटा because each side has its own beauty and its own idea. I listened to him very quietly as everything was making sense to me. I was relating whatever he said. How do you choose one angle? I asked him. This was a question I always wanted to ask myself, but I never figured out the right answer for it. I was always stuck in this fear that would my choice will be able to give me the right justice to my future? Or will I regret it later? He asked me, what? So this time I repeated my question more intensely. How do you make the right choice between both the sides? How to choose one? He was surprised looking at my intensity. Unko samjha that my question was coming from somewhere else. So he smiled and said, jaise maine kaha tha, both the sides have its own beauty, its own idea, and makes you feel alive in its own way. Trust your gut, follow your instinct, explore both, and then do what will eventually make you happy. And you know what to choose. Everybody knows. The thing is that one gets scared figuring it out if it is a right choice or not, which leads them into confusion and overthinking and a bundle of questions which blurs your decision. But you know always what to choose. So just get out of the confusion and you will yourself make the best decision for yourself. I kept quiet after listening to it and looked at the sea. Deep inside, I knew that the pen was the right choice for me. Maybe I had known the answer way back long, but couldn't realize it as I was scared. I blinked towards the rising sun that brought me a day I was badly waiting for. I let the moment sink in, soothe me from the core of the body to my skin where the nascent rays touched me. I thanked him with a smile and looked at the sunrise. And this time, I was living it.